एक एक जन आज आत्मा में उठा लिया कर जाए पौलुस की तरह। री नमा शांदेले रे रोनोमो सोंदो रे के लिए अंधेरे, हर आत्मिक अंधापन, हर आत्मिक अंधापन चला जाए इसी समय। मैंने बोला दर्शनों को, विजन को देखो राइट नाउ, रिसीव करो, रिसीव करो इस अनॉइंटिंग को राइट नाउ। राना शाते ले रे, रिसीव करो टच होली गॉस्ट इंपार्टेशन। आज से आप भविष्यवाणियां करोगे, आप भविष्यवाणियां करोगे। मैंने बोला आज से आप कलीसियाएं एस्टेब्लिश करोगे। रिसीव करो, पवित्र आत्मा अपना अभिषेक उड़ेल रहा है। टच होली गॉस्ट, भर जाओ, भर जाओ। मैं इंपार्ट करती हूँ, फूंकती हूँ उस चीजों को। रीने में शीतल रबस दो, रोनो मो शांदे ले रे, रे के ले रे शींदे रे। पावर और अथॉरिटी, सामर्थ और अधिकार यीशु ने अपने चेलों को दिया, और आगे उन्होंने चेलों को दिया, आगे उन्होंने दिया। मैंने बोला आज जो सामर्थ और अधिकार, जी बहन बता रही है कि सेवा में स्ट्रगल कर रही थी और बता रही है आज प्रार्थना के बाद शांति को, एक अलग प्रेजेंस को महसूस किया और रोने लगी। आज से आपका संघर्ष खत्म है, आप फ्लो में काम करेंगी। पास्टर जी 7 साल से सेवकाई में बता रही हैं, जाने से पहले प्रार्थना करके आई थी कि जैसे परमेश्वर की दासी काम करती है वैसे मैं भी कर सकूं, और सचमुच एक सामर्थ को अपने ऊपर अनुभव किया। पास्टर संगीता मम्मा वडोदरा से बता रही हैं कि इन्होंने आज स्वर्ग की सीढ़ी को यहाँ लगा हुआ देखा और अभिषेक को और आग को महसूस किया। स्वर्ग की सीढ़ी लगे हुए देखा। ये भाई बता रहे हैं 5 साल से सेवकाई में है, और जैसा कि आज आपने कहा था कि मैं देख रही हूँ एक संघर्ष चल रहा है आपकी लाइफ में, और ये बता रहे वही संघर्ष चल रहा था, पर जैसे ही आपने प्रार्थना करी अनुभव किया कि कुछ निकल के गया है, और आज प्रभु ने भाई को पूरी तरह से आजाद किया है। 7 साल से प्रभु में है और बहुत निराशा में जीवन जी रही थी। बता रहे हैं कि आज जैसे ही आपने ले हैंड किया इन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई और सारी निराशा चली गई। मारी तो सामर्थ महसूस हो गया, जब फूंक मारी तो सामर्थ आई, सामर्थ महसूस किया, हाँ। एकदम शांति जैसी आ गई। भाई बचपन से प्रभु में है और पहली बार अलौकिक सामर्थ को आज महसूस किया, सुपरनैचुरल। बचपन से प्रभु में है और आज पहली बार वो सामर्थ को महसूस, वो सामर्थ मैंने फीलिंग किया। आपने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जब मम्मा आपने वो रिलीज किया, मैंने उसे अपने ऊपर आने के लिए और रिसीव किया, और वो आग जैसे आग मेरे बॉडी में वो दौड़ रहा। पास्टर कमलेश बासरी सेवा में है, बहुत दुखी थे, अथॉरिटी मांग रहे थे पास्टरी, सेवकाई में सपोर्ट नहीं मिलता था, परेशान थे, एक संघर्ष था, पर जैसे आज का वचन हुआ आपने प्रेयर करी, इन्होंने सामर्थ को अनुभव किया और एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत को आज इन्होंने रिसीव किया है कि चीजें बदलेंगी, और एक अलौकिक शुरुआत प्रभु ने रिलीज करी। आज भाई ने स्वर्ग में एंटर किया पास्टरी, माँ बोल रहे थे उसको उड़ने दो, उड़ने दो, तभी मैं उड़ रहा था, पवन मेरे पे एकदम जोर से पवन आया तो बहुत, मैं बोले आप बोले माँ के उसको उड़ने दो, उड़ने दो, तो मैं उड़ रहा था माँ। उठ जाए तुम्हारी आत्मा, आमेन। पूरे ग्राउंड में मैंने दूत देखे और मैं प्रे कर रहा हूँ, और मेरे पीछे एक हाथ आया और मेरे को पकड़ के लोगों के बीच में ले जा रहा है। 10 साल में पहली बार स्पर्श को लिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे मम्मा बता रहे हैं, वचन के दौरान इन्होंने दर्शन देखा कि जैसे आप रोटी बांट रहे हैं। हालेलुया, यीशु क्या बांट रहा था? रोटी।
आत्मा की परिपूर्णता मौजूद है यहाँ पे पासरी। सुनहरे रंग के बादल देखे और पवित्र आत्मा की भरपूरी को अनुभव किया आज। पूरा स्वर्ग खुला हुआ देखा है मैंने। मैंने बोला स्वर्ग खुला है और पहली बार परमेश्वर की सामर्थ को चखा है नेपाल से। प्रभु में पहली बार महसूस किया था। तीन बार उठने चाहा पर उठ नहीं पाया। उठ नहीं पाए, उठने की कोशिश कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया, सामर्थ पर आ गया मुझ पर, उठ नहीं पा रहा था। स्वर्गीय स्पर्श आज लिया है, अलौकिक रीति से भरपूरी पाई आज। पास्टर जी की इतनी सामर्थ को आज महसूस किया, गिर पड़ी और तीन बार उठने की भी कोशिश की लेकिन उठ ही नहीं पा रही थी, उससे बाहर ही नहीं रहा था कि कुछ इतना ज्यादा वजन मेरे पे आ गया है कि मैं उसको इतना वजन अनॉइंटिंग उठ ही नहीं पा रही। तीन बार चार बार कोशिश की, मेरा सर थोड़ा ऐसा हो रहा था लेकिन पूरा शरीर उठ ही नहीं पा रहा था इतना में। पास्टर जी भाई ने दर्शन देखा कि एक बहुत भारी ज्योति आपके साथ चल रही है और जैसे ही आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ले हैंड कर रहे हैं, वो ज्योति औरों में इम्पार्ट होती जा रही है। देखो देखा जो चीजें हो रही है, प्रभु दिखा रहा है, विटनेस भी दे रहा है वो साथ साथ। स्वर्ग दूतों की एक सेना आपके साथ होटल से यहाँ आते हुए देखी और परमेश्वर का सिंहासन देखा। परमेश्वर का सिंहासन देखा, उसके ऊपर प्रभु बैठे थे। प्रभु बैठे, बड़ी पुस्तक थी और वो पुस्तक को ऐसे बहुत बड़ी पुस्तक थी और उस पुस्तक को खोल रहे हैं। खोल रहे और कहा कि मैं बोलूंगा। भाई ने देखा कि आपके साथ एक येलो, एक ब्लू और एक डार्क रेड लाइट ज्योति जो है ट्रेवल कर रही है आपके साथ साथ में और ये आपको देख ही नहीं पा रहे थे। स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय दर्शन,